नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हां कुसुम सोनिया। पेश ने हुण तक दियां खबरां। चोण कमिशन ने देश दे 16वें राष्ट्रपति दी चोण लई नोटिफिकेशन जारी कर दित्ती है। नामजदगी कागज़ 29 जून तक दाखिल किए जा सकणगे। राष्ट्रपति चोण लई वोटिंग 18 जुलाई नूं होवेगी अते वोटां दी गिणती 21 जुलाई नूं कीती जावेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई नूं खत्म हो रहा है। राष्ट्रपति चोणां विच वोटिंग संसद भवन अते वख-वख सूबियां दीआं असैंबलियां दे कंपलैक्सां विच होवेगी। इन्हां चोणां विच वोटरां दी कुल गिणती 4809 है। इन्हां विच 776 संसद अते 4033 विधानकार ने। सूबियां दे मुख सकत्तरां दी पहली 3 दिनां कौमी कॉन्फ्रेंस ठीक इस वेले हिमाचल प्रदेश दे धर्मशाला शहर विच हो रही है। कैबिनेट सकत्तर राजीव गौबा इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करनगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 ते 17 जून नूं इस कॉन्फ्रेंस की प्रधानगी करनगे। इस कॉन्फ्रेंस विच केंद्र सूबियां अते केंद्र शासित प्रदेशां तों प्रतिनिधां अते माहिरां समेत तकरीबन 200 प्रतिनिध हिस्सा लैणगे। इस विच नवीं सिक्ख्या नीति लागू करन, शासन व्यवस्था अते फसल चक्कर विच बदलाव दे नाल नाल खेती विच आत्म निर्भरता बारे चर्चा कीती जावेगी। केंद्र अते सूबियां नाल साझेदारी विच छेती ते लगातार आर्थिक विकास ते ध्यान केंद्रित कीता जावेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हां अग्निवीरां नूं केंद्रीय हथियारबंद फौजां अते असाम राइफल्स विच भर्ती लई पहल देण दा फैसला कीता है, जिहड़े 4 वरियां दी सेवा कामयाबी नाल पूरी कर लैणगे। गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट विच अग्निपथ योजना नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दा दूरदर्शी फैसला दस्सिया है। उन्हां कहा कि अग्निपथ तों सिखलाई हासिल करन वाले नौजवान देश दी सेवा ते सुरक्षा विच योगदान कर पाउणगे। उन्हां कहा कि इस फैसले ते विस्तृत योजना कारज शुरू हो गया है। पंजाब दे वख-वख ज़िलिआं विच नौजवानां समेत होरनां वख-वख वर्गां दे लोकां ने केंद्र सरकार वल्लों हथियारबंद बलां विच नौजवानां दी भर्ती लई ऐलानी गई अग्निपथ योजना दा स्वागत करदिआं इस नूं इक बेहतरीन अते शानदार फैसला दस्सिआ। मोहाली तों साडे पत्रकार मनोज गिरधर ने इस बारे समाज दे वख-वख वर्गां दे लोकां नाल गल्लबात कीती। मेरा नाम रजनी है, मैं मोहल्ले से रहने वाली हूँ। और मोदी जी ने जो अग्निपथ और अग्निवीर योजना शुरू की है, बहुत ही शलाघ्या योग्य है। उनके नाल बच्चों को अपने करियर में अगे जाने का फायदा मिलेगा। वो अपने 17.5 साल तो लैके 21 साल की उम्र रखी गई है। इस बच्चों अपने तीनों फौजों में जा सकते हैं, किसी भी फौज में अपना नाम रोशन कर सकते हैं और इस बच्चों अपनी जिंदगी सेव करने का मौका मिलेगा। उम्मीद है, मैं मोहाली का रहने वाला है, मैं एक स्टूडेंट है। मोदी जी की जी अग्निपथ स्कीम तहत जो 17 से 21 वर्ग के बच्चों उन्होंने रोजगार देने का वादा किया फौज के, बहुत बड़ी गल है। तो सानू भी उस नाल बहुत बहुत फायदा होएगा। मैं भी 21 साल तो पहले ही नौकरी मिल जाएगी, तो मैं अगे मेरा 4 साल फ्यूचर अगर सिक्योर हो जाएगा। प्रधानमंत्री वालों केंद्र सरकार के वख-वख मंत्रालयों ते महकमियां विच अगले 1.5 साल दौरान 10 लाख व्यक्तियों नूं रोजगार देण संबंधी कीते ऐलान दा लोकां ने स्वागत कीता है। होशियारपुर विच इस बारे प्रसार भारती दे नुमाइंदे संजीव कुमार बख्शी नाल गल्लबात करदिआं लोकां ने अपने विचार इंज प्रगटाए। मैं नरेंद्र मोदी जी दा बहुत बहुत धन्नवाद करना चाहुंदा हां, जिहड़ा उन्होंने ऐलान कीता है कि अगले 1.5 साल दे विच 10 लाख नौजवानों नूं नौकरियां दित्तियां जाऊगियां। इस ते छेती अमल भी किया जाए, मैं इस गल की उम्मीद करदा हाँ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 लाख नौजवानों नू नौकरी देने की गल कही है, वह बहुत ही शलाघाजो कदम है। ये जिते बेरोज़गार नौजवानों नू नौकरी मिलेगी, उत्थे एक तो देश दे विच इहदे नाल बेरोज़गारी घटेगी, दूसरा वह नौजवान देश की तरक्की विच अपना योगदान पा सकेंगे। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करदा हाँ। भारतीय वणज ते सनत मंडल एसोचैम ने कहा है कि अगले 1.5 वरे विच केंद्र सरकार दीआं नौकरियां विच 10 लाख नियुक्तियां दा सरकार दा फैसला दूरदर्शता वाला है। एसोचैम दे प्रधान सुमंत सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी अगवाई वाली सरकार दा रोजगार वर्गे मुद्दियां ते ध्यान देना बहुत उत्साहपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार दे इस कदम नाल ना सिर्फ खाली पए सरकारी अहुदियां ते भर्तियां होणगियां, बल्कि इस नाल देश दे लखां नौजवानां दीआं आसां पूरियां होणगियां, जिहड़े देश दे विकास विच अपना योगदान देण लई उत्सुक ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5G स्पैक्ट्रम की नीलामी की दूरसंचार महकमे की तजवीज़ नूं मंजूरी दे दित्ती है। ये नीलामी जुलाई के अखीर विच होवेगी। 20 साल तक लई कुल
72,000 मेगाहर्ट्ज़ तो वध स्पैक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। आस की जाती है कि स्पैक्ट्रम की वरतों दूर संचार सेवा देने वालों वालों रफ्तार से समर्था देने विच समर्थ 5G तकनोलॉजी आधारित सेवावां देने लई की जाएगी। यह मौजूदा 4G सेवावां की तुलना में तकरीबन 10 गुणा बेहतर होगी। 2014 10 करोड़ ग्राहकों की तुलना में अज ब्रॉडबैंड के 80 करोड़ ग्राहक ने। खबरों के बुलेटिन साढ़े दर्शक RNU DDK जलंधर के यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज तो ट्विटर हैंडल से भी देख सकते हैं। इस ही खबरों का बुलेटिन खत्म होया। मैं मास्क लगा के स्टूडियो तो बाहर जा रही हूँ, तुम भी घर तो बाहर जाने लग्या मास्क जरूर लगाओ। इजाजत दियो, नमस्कार।